मामले में खातिर नजर आते हैं, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी रमज़ान रूटीन और अल्फ्रेडो पास्ता या वाइट सॉस पास्ता जिसको बोलते हैं उसकी रेसिपी। तो अभी मम्मा ने फरमाइश की है भाई पास्ता की, तो सबसे पहले उसके लिए चीज़ें लेनी है, तो मैं जा रहा हूँ सी तक चीज़ें लेने और फिर वहाँ से पास्ता वगैरह लूँगा और फिर चिकन वगैरह लेना है। तो आए फिर चलें। तो बजाय के नमक मिर्च ऊपर नीचे करने का हम चिकन ऊपर नीचे कर लेते हैं। रोटी बना दो, रोटी बनानी है ऐसे करो आप बना के रखो, मैं सी एस टी से होके आओ सर हम जा रहे हैं। अच्छा चलो बना दो। अच्छा भाई तो अभी सी एस डी गया था मैं पास्ता वगैरह लेने, लेकिन जो है ना वो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हुआ था तो लोगों को अंदर नहीं जाना दे रहे थे, तो मैंने कहा बेहतर है यहाँ ख़बर होने से कि हम जो है दूसरी शॉप से चीज़ें ले लें। तो अभी मैं आया हूँ घर के पास वाली शॉप पे पास्ता लेने, तो अभी चलते हैं अंदर ज़रा। अच्छा भाई तो ये पानी बॉईल हो रहा है यहाँ पे और पास्ता के लिए जैसा कि उस पर लिखा होता है पैकेट पे उसी तरह हम बॉईल करेंगे। इसमें नमक ऑयल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तो अभी ज़रा वो डालते हैं और फिर पास्ता बॉईल करते हैं। अच्छा भाई तो ये चिकन जो है वो काट दिया छोटा छोटा मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, नमक काली मिर्च डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा भाई इधर वाइट सॉस बनाने के लिए मेरे पास है ये ओरिगैनो, ये मैं डालूँगा 1 से 2 चम्मच। ये ओरिगैनो हो गया हमारा और काली मिर्च मैं डालूँगा 1 चम्मच 1 टीस्पून। काली मिर्च आ गई, नमक डालूँगा 1 टीस्पून। हो गया 1 टीस्पून और अभी वो चिकन फाड़ पकता फिर हम वाइट सॉस बनाते हैं। ये जी मैदा आ गया, मैदे को हिला लेना अच्छी तरह, इसके जब लम्प से बन जाए तो फिर हम इसमें दूध डालेंगे। गाढ़ा हो गया उसमें दूध डाल देंगे, दूध
दूध आ गया जी, इसको ज़रा पकाएंगे अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी तक। तो और इसमें ये जो हमने नमक मिर्च वगैरह लिया था ये डाल देंगे। इसको ज़रा पकने का वेट करेंगे, क्योंकि गाढ़ी होगी तो फिर पता चलेगा कि दूध और डालना है कि नहीं डालना हमने। ओके, हम इसमें जो है वो थोड़ा चीज़ डाल देते हैं, चीज़ है, चीज़ लग गया जी। और बस ये ऑलमोस्ट उबलने वाला है। अच्छा भाई, तो ये चिकन रेडी हो गया हमारा, इसको हम डाल रहे हैं पास्ता में। ये डल चुका है जी पास्ता में, और बस सॉस रेडी होती है तो वो डालते हैं। अच्छा भाई, तो मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह की शक्ल है पास्ते की। तो फिर अभी ज़रा फ्रेश हो लें, नमाज का टाइम होने वाला है, फिर मिलते हैं अफ्तारी के बाद। तो अफ्तारी हो गई जी, और नमाज भी पढ़ ली है, और अभी ज़रा कॉफ़ी बनाएंगे, क्योंकि अफ्तारी के बाद ज़रा ना सर दर्द होता है, तो उसके लिए फिर ज़रा कॉफ़ी पीनी पड़ती है। तो उसके बाद ज़रा हमने पढ़ना है, तो अभी चलते हैं कॉफ़ी बनाने, और कॉफ़ी बना के आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, तो हमारी कॉफ़ी बन चुकी है, और अभी मैं कहने लगा हूँ जी व्लॉग अपलोड, पिछला वाला जो कल बनाया था, और जब आप लोग ये देख रहे होंगे तो वो भी आपने देख लिया होगा। और बहरहाल खैर, वो अपलोड पे लगा के मैं ज़रा पढ़ने लगा हूँ, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ज़रा पढ़ने के बाद। अच्छा भाई, तो नमाज़ पढ़ के घर आ गए, और चाय भी पी ली है, लेकिन अभी जो है ना वो नींद आ रही बहुत टिका के। यार कोई बताया ज़रा, ये इफ्तारी के बाद नींद क्यों आती है, मुझे नहीं समझ आई अभी तक। और अभी असाइनमेंट भी करनी है, ये पढ़ी हुई है तो नीचे सुबह सबमिट करानी है, तो काम ज़रा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। और ये गिम्बल का एक्टिव ट्रैक फीचर भी ऑन है, ये ऐसे हमें ट्रैक कर रहा है। तो खैर, अभी ये ज़रा करते हैं असाइनमेंट, और फिर ज़रा अपना फ्री टाइम होगा थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। तो भाई सारी में सिर्फ 40 मिनट रह गए हैं, सारी में मैं खाता हूँ अंडा, और अंडा मैं बनाता हूँ बाजारते ख़ुद, और उसके लिए काटनी है सब्ज़ियाँ। तो आए चलें किचन में, अभी काटते हैं सब्ज़ियाँ और फिर बनाते हैं अंडा, क्योंकि वक्त बहुत कम है।
1 hour later. अच्छा यार, तो नमाज वगैरह पढ़ के आ गए और सहरी भी हो गई है और अभी हम खेलेंगे जी अपने एक दोस्त के साथ थोड़ी सी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल थोड़ी देर, आधा घंटा पौना घंटा तकरीबन, और फिर 6 बजे 7 बजे तक सो जाऊंगा मैं। तो जी ये है मेरी आजकल की रूटीन, उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, थोड़ा सा लेंथी था, चलें कोई बात नहीं, खैर है। तो बहरहाल मिलते हैं बहुत जल्द एक और ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।